हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की तिथि को लेकर। हालांकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मुझे ये जानकारी जो आज ऑफिशियली जारी की गई है, बताया गया है, वही जानकारी आपको मैंने कल आपको नियर अबाउट मैंने बताया था और वही बात बिल्कुल सही साबित हुई। बिल्कुल जो भी यानी कि विश्वविद्यालय में चल रहा है, आप लोगों तक बात खबर नहीं पहुँच रही थी कि क्या चल रहा है, नहीं हो रहा है, या अगर नोटिस जारी हुआ था 15-20 दिन पहले सभी विश्वविद्यालय को कि रिजल्ट जारी करें या परीक्षा कराएं, तो क्या रिजल्ट सबका जारी हुआ या नहीं हुआ, अब क्यों देरी हो रही है। तो फाइनली दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ऑथेंटिक रूप से मिलने वाली है जानकारी। तो सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। दोस्तों, पूरी जानकारी यहां पर दे दी गई है, कब तक आपका जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगा यानी काउंसलिंग शुरू होगा, और सत्र आपका जो है वो कब से शुरू होगा, यह भी बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी छात्रों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो बीएड के भी छात्रों से मैं बोलूंगा कि आप लोग भी पेट का फॉर्म डालें और उसकी तैयारी करें। दोस्तों, कम से कम आप कुछ पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, 30 अगस्त तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए हमारे द्वारा क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। जिस तरीके से बीएड एंट्रेंस का कोर्स लॉन्च किया गया था, उसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है और मात्र 175 रुपीज़ वही प्राइस रखा गया है। तो जितने भी छात्र इसको खरीदना चाहते हैं, जल्दी से इसको परचेज कर लीजिए। इस नोट्स में आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट और निचोड़ चीजें मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, प्लस यहां पर 5 प्रैक्टिस सेट और प्लस आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इतना सब कुछ मात्र 175 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेने के लिए आपको कैसे लेना है, जैसे बीएड एंट्रेंस का नोट्स लिया था वही प्रक्रिया अपनाना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और बोलना है कि सर, मुझे पेट एग्जाम का नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी इस नंबर पर दी जाएगी और नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी छात्र पेट एग्जाम का फॉर्म डाले हैं या डालने वाले हैं, या आपका कोई जानने वाला, आपका भाई बहन कोई पेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको रेकमेंड करें और इस नोट्स को परचेज करें या कराएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं खबर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आज के विभिन्न अखबारों में यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बड़े बड़े हेडलाइन में यहाँ पर लिखा गया है, 1 महीने देर से शुरू होगा बीएड का सत्र। जी हाँ, ये बताते हुए पूरी चीज़ें क्लियर कर दी गई है कि क्यों आखिर 1 महीने देर में शुरू होगा बीएड का सत्र। सत्र मतलब कि जब आपका यानी कि स्टार्ट हो जाएगा सेशन, ठीक है, जिस महीने से। तो यहाँ पर देख सकते हैं झांसी से खबर है, इस बार बीएड का शैक्षणिक सत्र 1 महीने देरी से शुरू हो पाएगा क्योंकि प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय अब तक स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पाए हैं। अब शासन ने इन विश्वविद्यालयों के लिए रिजल्ट घोषित करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित कर दी है, जो कि मैंने कल अपने सोर्स के माध्यम से बताया था। हालांकि कल मेरे पास ना ही न्यूज़पेपर की कटिंग थी और ना ही कोई नोटिस था जिससे आपको ट्रस्ट दिला सके, बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, आप लोगों का ट्रस्ट है हम पे कि आप लोग सपोर्ट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं हमारी बातों पर, जो कि बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देता हूं। वही चीज यहां पर आज प्रूफ हुआ है कि जो भी जानकारी मैं देता हूं बिल्कुल सही देता हूं। कल मैंने बताया था कि अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिन विश्वविद्यालयों का अभी तक रिजल्ट या परीक्षा नहीं संपन्न हुआ है उनको 10 अगस्त लास्ट डेट दी गई है, उसके बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा काउंसलिंग का, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं 10 अगस्त निर्धारित कर दिया गया कि 10 अगस्त तक सभी परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की थी। इसके लिए 1108 केंद्र बनाए थे। 1 जुलाई को परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। शासन के निर्देशानुसार बीयू को 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करनी थी। बताया गया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने में 30 से 45 दिन लगते हैं, ऐसे में बीएड का शैक्षणिक सत्र जो है वो करीब 25 अगस्त तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है। मगर 8 विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम अब तक जारी नहीं कर पाए हैं, इसलिए काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकी है। अब शासन ने साफ निर्देश दे दिया है कि सभी विश्वविद्यालय स्नातक 10 अगस्त तक स्नातक का परिणाम 10 अगस्त तक घोषित कर दें। परीक्षा परिणाम जारी होने के 2 से 3 दिन में बीयू ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करा देगा, यानी कि 10 तारीख अल्टीमेटम दिया है, यहां पर साफ बता दिया गया है 10 तारीख सभी विश्वविद्यालय को अल्टीमेटम दिया गया है कि 10 अगस्त के पहले पहले आप सभी
विश्वविद्यालयों जिनका बीए यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आज जारी किया गया, जारी कर दीजिए। और जैसे ही 10 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी कर देंगे, उसके दो से तीन दिन के अंदर बीएड काउंसलिंग की ऑनलाइन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, साफ बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और 25 सितंबर के आसपास बीएड का सत्र भी शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आप देख लीजिए, 10 तारीख तक अगर आपका आ जाएगा परिणाम, उसके बाद में आपका 10 से 15 तारीख के बीच में, 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और 20 अगस्त से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तब बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका है, 10 तारीख के बाद आपका किसी भी दिन काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में है, भैया अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और कॉलेज लिस्ट वगैरह जो मैंने प्रोवाइड किया था उसके माध्यम से आप कॉलेज वगैरह चूज करके लिस्ट अपनी तैयार रखें। उम्मीद करते हैं आपको यह खबर इंपॉर्टेंट लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और हमारे पुराने सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो लोग बीएड की तैयारी करते थे हमारे चैनल पर, वो लोग पेट की भी क्लास को ज्वाइन करें, डेली 7:00 होता है, एक ही क्लास करवा रहा हूं, आप लोग लाइव आइए हमारे साथ, पढ़िए जैसे पहले पढ़ते थे। आप बोले भी थे कि सर हम पढ़ेंगे आपके साथ, जुड़े रहेंगे, तो आप लोग पेट की क्लास को ज्वाइन करें, डेली 7:00 होती है, आज भी होगी, आप लोग ज्वाइन करिए और इस नोट्स को परचेज कर लें। अगर आप पेट की फॉर्म डाले हैं, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव डाले हैं, आपके दोस्त, उनको हमारे नोट्स के बारे में रेकमेंड करें और आप लोग इस नोट्स को जल्द से जल्द परचेज कर लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो भैया आप बार बार मत पूछिए कि सर कब होगा काउंसलिंग, सारी जानकारी आपको मैं साफ तौर पे बताता हूँ जो चीज़ें निकल के आती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, पेट की तैयारी करते रहिए, फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए और नोट्स से तैयारी करें।